आज हम लोग देखेंगे पेप्सी का लोगो कैसे बनाएंगे। जैसे कि मैं बनाना चाहता हूँ ऐसा लोगो। तो इसके लिए मैं अपना बेसिकली प्लान क्या है वो देखिए। नॉर्मली फर्स्ट मैं क्या करूँगा कि एक सर्कल लूंगा, मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है। चलिए देखते हैं सर्कल कैसे ड्रॉ करना। यहाँ पे चाहिए एलिप्स, एलिप्स को ड्रॉ करो। बट ये जो एलिप्स है वो तो सर्कल है ही नहीं, ठीक है। हमें इसको सर्कल बनाना है। हमें सर्कल बनाने के लिए इसको, इसका जो मेजरमेंट्स है उसको देना पड़ेगा। इसका विड्थ रहेगा 4 इंच और इसका हाइट भी 4 इंच रखा है मैंने। तो ये अभी सर्कल बन गया, क्योंकि हॉरिजेंटली 4 इंच, वर्टिकल 4 इंच है, तो ये सर्कल है। अब इस सर्कल को कलर देंगे। सो मैंने रेड कलर किया। मैं चाहता हूं इसका आउटलाइन, जो ये बाहर आउटलाइन है ना, उसको निकाल दूं। उस आउटलाइन को निकालने के लिए आपके पास यहां पे एक ऑप्शन है, आउटलाइन पेन, आउटलाइन विड्थ, इसको नन कर दो। आउटलाइन निकल चुका है। मैं चाहता हूं अभी एक वेव लाइन ऐसे ऐसे डालने के लिए कुछ मुझे कट करना पड़ेगा। बट मैंने सोचा है कट क्यों करें, उसके बजाय हम लोग दूसरा कुछ ऑल्टरनेट वे ढूंढ सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे गया बैनर शेप्स, इसको सेलेक्ट किया बैनर शेप्स को। बहुत सारे शेप आ चुके हैं यहाँ पे, इसके प्रॉपर्टीज में बहुत सारे शेप्स आ चुके हैं। बैनर, मैंने इस शेप को सेलेक्ट किया और यहाँ पे ऐसा कुछ ड्रॉ किया। मैं चाहता हूँ इसका जो विड्थ है 5 इंच का रहे, 0.5। ओके, बहुत छोटा हो गया, 1 ही रखेंगे, 1 इंच। ओके, राइट, विड्थ जितना भी रहे चलेगा, क्योंकि बाद में हम लोग तो इसको कट कर रहे हैं। इसको भी कलर देंगे एक लाइक व्हाइट, इसका भी आउटलाइन पेन निकाल देंगे। ओके, बट प्रॉब्लम ये है, ये ऑब्जेक्ट पीछे है और ये ऑब्जेक्ट सामने, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, इधर ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस बैक सर्कल में से इसको माइनस करेंगे तो वो सेपरेट हो जाए। चलिए यहां पे जाइए अरेंज, इन दोनों को सेलेक्ट करो। अभी ये दो अलग हो चुके हैं, देखिए। बट इसको मैं कलर करूंगा ब्लू तो वो भी ब्लू हो रहा है, रेड करूंगा तो रेड हो रहा है। अब इसको मुझे ब्रेक करना पड़ेगा ताकि मैं दोनों को अलग अलग कलर्स दे सकूं। ब्रेक करने के लिए मुझे यहां पे जाना पड़ेगा, अरेंज, ब्रेक कर्व अपार्ट। अब देखिए यहां पे ये अलग हो गया और ये, अभी मैं इसको कलर दे सकता हूं। चलिए ब्लू कलर दे दे। मैं चाहता हूं इसका एक हाईलाइट देने के लिए मुझे इसको डुप्लीकेट बनाना पड़ेगा। चलिए मैंने दोनों को डुप्लीकेट बनाया, एडिट, डुप्लीकेट। इस डुप्लीकेट को मैं थोड़ा कलर चेंज करना चाहता, इसको सेलेक्ट करो। यहाँ पे यूनिफॉर्म फिल मॉडल, इसको लाइट कलर करो। पहला ये था, अभी ऐसे होगा, तो मुझे ऐसे लगेगा कि ये हाईलाइट है। थोड़ा छोटा भी कर देंगे इसको और इसको ले जाके यहाँ पे रख देंगे, ऐसे लग रहा है कि कुछ हाईलाइट है। ओके, इसको भी वैसे ही करेंगे, सेलेक्ट करना यूनिफॉर्म फिल मॉडल्स, अभी कलर लाइट किया। ओके, इसको भी थोड़ा छोटा किया और ये भी ऐसे लग रहा है कि अभी हाईलाइट है। ओके, सो फाइनली इन दोनों को ब्लेंड करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। उस मिलाने के लिए हम लोग यूज करेंगे ब्लेंड टूल, प्रेस एंड ड्रैग, प्रेस एंड ड्रैग। देखिए पेप्सी का लोगो ऐसे बन चुका।